वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम सिद्ध करेंगे लेंस सूत्र, क्योंकि दर्पण सूत्र मैंने पहला वीडियो में सिद्ध कर चुका हूँ। देखिए आज इस तरह से पढ़ना, उससे पहले कुछ मोटिवेशन शायरी हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। शोर मत करो अभी गमों की रात है, शोर मत करो अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। शोर मत करो अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। बस कुछ दिन मेहनत करिए, रिजल्ट आएगा तो आप सभी का दुश्मन जल जला उठेगा, ठीक है दोस्तों। दुश्मनों को जल जलाना है तो मेहनत करो, जल जला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस मोटिवेशन साड़ी को हम डिलीट कर रहे हैं। ओके, देखिए हमको उत्तल दर्पण, ये दर्पण कैसा, लेंस कैसा, उत्तल, उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों। ये अवतल लेंस से भी सिद्ध हो जाएगा और उत्तल लेंस से भी सिद्ध हो जाएगा। खुरखुरने के लोग, उत्तल लेंस से भी सिद्ध होता है लेंस का फॉर्मूला, अवतल लेंस से भी। दर्पण सूत्र मैंने पिछले वीडियो में सिद्ध करके दे चुका हूं, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको समझने के लिए कुछ त्रिभुज का कॉन्सेप्ट गणित का यूज होता है। ओके, यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज। देखिए पहले जो ये त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और चलेंगे किसमें, त्रिभुज सी ए डैश बी डैश में। क्यों चलेंगे यहां से, इसलिए कि ये कोण इसमें भी बराबर, ये कोण इसमें भी बराबर। उससे पहले हम लोग वस्तु की दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, फोकस दूरी एफ। वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, और फोकस दूरी एफ। अब ये दर्पण क्या ऐसा है, मान लीजिए एल एल डैश, कुछ लिखना भी रहता है इसमें थ्योरी, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, वस्तु की दूरी, यहां प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे फोकस, ठीक है फोकस, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी, और फोकस दूरी या, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तीन चार लाइन, हम लिखेंगे नहीं बोल लेंगे, यहां से लिखेंगे, लिखो बुआ तुम सब लिख लो, यल एल डैश एक उत्तल लेंस है, यल एल डैश एक उत्तल लेंस है, जिसका मुख अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु, जिसका मुख अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है, ए बी, एक वस्तु रखा हुआ है ए बी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जिसके मुख अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखा हुआ है, समांतर किरण बिंदु डी पर, समांतर किरण बिंदु डी पर टकरा कर अपवर्तन के बाद फोकस से होते हुए बिंदु बी डैश पे आके मिलती है, समांतर किरण बिंदु बी डी, यहाँ चला किरण, बिंदु डी से टकरा कर फोकस से होते हुए बिंदु डी बी डैश पे आके मिलता है, ठीक है। एक अन्य निर्गत किरण जो कि वक्रता केंद्र से जाके यहाँ फोकस पे मिलता है, ये दोनों जहां मिलेगा वहां वस्तु बनेगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर, ये चीज लिखना पड़ेगा। अब मेन जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक। देखिए हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तुलना करेंगे, त्रिभुज ए बी सी प्रेम सुष्मित और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ओके ओके, एक मिनट, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखिए इस त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, ये बिंदु कौन है, यहां से मेरा देखिए यहाँ पे कोण 90 बन रहा है, यहाँ पे कोण 90 बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए डैश, अब बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, समझ लो पहले बाबू तब उतारना। यहां से देखिए
ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। जब दो समांतर रेखा एक काटेगा तो ये कोण बराबर ये कोण, या फिर ये कोण बराबर ये कोण, तो ये कोण बराबर ये कोण करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, कोण का नाम होगा कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, आपस में बराबर। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये नियम है, थ्योरम है, पढ़ना पड़ता है त्रिभुज चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए, और भुजा समानुपाती, जब तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप बनेगा, गलो चुप रहो, और भुजा क्या हो जाएगा समानुपाती। देखिए समानुपाती, तो ये तो फिक्स हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ठीक है। तो समरूप है तो ये समानुपाती होगा, ये भी लंब है ये भी लंब है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, ये आधार लेंगे ए सी, ए सी आधार, इधर आधार कितना ए डैश सी, ए डैश सी, समीकरण पहला, समीकरण पहला। अब देखिए यहां से त्रिभुज डी ई एफ टू और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, क्योंकि ये भी दोनों रेखा यहां से काटा, ये देखिए ये काटा ये काटा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। यहां पे 90 है फिर यहां पर 90, तो फिर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण ए डैश, 90 बनेगा। जब ये कोण बराबर, कैसे बराबर हुआ, यहाँ पर भी लंब पड़ा यहाँ पर, ये दोनों कोण 90 और ये कोण दोनों तो आपस में समान ही होगा, तो लिख सकते हैं कोण डी कोण डी एफ टू सी, डी एफ टू सी बराबर कोण क्या होगा ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू एफ टू बी डैश, ओके। दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, जब बराबर हो गया तो भुजा समानुपाती होगा, ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है। लिखो नहीं समझो, ए सी बटे ए डैश बी डैश बराबर, ये आधार बराबर तो ये भी आधार बराबर हो जाएगा, सी एम सॉरी सी एफ बड़ी वाली होगी, सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। अब देखिए CD बराबर AB होगा कि नहीं होगा, अरे भैया CD बराबर AB, जहां CD है वहां पे लिखेंगे AB बटे A डैश B डैश बराबर CF2 बटे A डैश F2, समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। From equation एक and equation दूसरा, AB बटे A डैश B डैश, यहां भी AB बटे A डैश B डैश, तो इसके बराबर ही इसके बराबर ही, तो ये हो जाएगा AC बराबर बटे A डैश C शांति, और BF2 बटे C and M सॉरी ए डैश एफ टू, ए डैश एफ टू, किसी भी बालक को यहां तक दिक्कत। अब देखिए ए से सी तक, ए से सी तक वस्तु की दूरी हुआ, तो अवतल में होता है सब निगेटिव, अवतल दर्पण में सब निगेटिव, लेकिन उत्तल में वस्तु की दूरी निगेटिव, ए पट्टी ए साइड वाला सब निगेटिव होता है और वो साइड वाला पॉजिटिव होता है। ए से सी तक क्या है वस्तु की दूरी माइनस यू, और ए डैश ए डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ए डैश क्या है प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है भी। अब देखिए से एफ टू, से एफ टू, देखिए अब सी एफ टू बोला है सी से एफ टू तक, तो ये क्या बनेगा रुनु फोकस, फोकस बन गया। अब फोकस क्या है दर्पण की यानी कि लेंस के उस साइड है तो प्लस में बनेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा ए डैश एफ टू,
तो भैया ए डैश एफ टू यहाँ क्या कहते, आप लोग बोलेगा सर ए डैश एफ टू तो कुछ हो भी नहीं करेगा, तो कुछ कैसे नहीं होगा, देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहां से यहां तक फोकस और यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी, अरे भैया समझो यहाँ पे थोड़ा, ये ए है, ये एफ टू है, इसको भी ऊपर लिखिए ए डैश है, और यहाँ पे सी, यहां से यहां तक क्या होता है, हमको निकालना है इतना दूर, यहां से यहां तक देखिए वक्रता केंद्र सी से ए डैश तक होता है प्रतिबिंब की दूरी कितना, भी अब भी में यहां से यहां तक निकालना, को यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक निकालना, यहां से यहां तक, तो पूरा क्या होगा भी, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा फोकस भी माइनस, बात तो समझ में आया, निकालना है हमको यहां से यहां तक, ऐसे नहीं इसको लिखेंगे ए सी माइनस सी एफ टू होगा जी, मैंने पूरा में ये घटा था ये ही बचेगा, यहां समझो यहां पूरा मान लीजिए पचास रुपया है, बोला सर इसमें तीस रुपया है, तो पूरा क्या कि ए सी पूरा पचास, तो ए सी पूरा पचास सी एफ टू, तो सी एफ टू कहेंगे सर पचास माइनस तीस बराबर बीस, क्लियर। चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना है, यहां से आपका प्रोडक्ट हो चुका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस यू प्लस भी माइनस एफ, योग भी गुने एफ भी एफ, प्लस माइनस माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर यू एफ, ठीक है। किसी भी बालक को यहां तक दिक्कत, एक भी बच्चा को यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ रहा है गुल्लो का विनोद। चलिए अब ये समीकरण में हम क्या करेंगे, दोनों और यू भी एफ से भाग देने पर देने पर, ओके तो यहां क्या माइनस यू भी बटे क्या लिखना है यू, एक मिनट एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, दोनों में बोला यू भी प्लस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर भी एफ बटे यू भी एफ, समझे भी एफ से भी एफ खत्म, अकेगा सर यहां पे नहीं कटा, यहां पे कैसे नहीं कटेगा, कटेगा अलग अलग करेंगे, माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस वन बटे एफ बटे यू भी एफ बराबर क्या बचा, वन बटे यू। देखिए फिर दोनों को एलसीएम लेंगे यही चीज आ जाएगा, अरे बाबू यहां तक कोई दिक्कत नहीं ननुआ, कोई दिक्कत है बहादुर, इस दोनों को एलसीएम लेंगे यही बनेगा फिर यही टर्न, तो इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ कहेगा सर यू से यू खत्म भी से भी खत्म, यू से यू खत्म एफ से एफ बचा माइनस वन बटे एफ प्लस प्लस वन बटे भी बराबर वन बटे, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ठीक है कोई बात नहीं है, माइनस भी चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए यहाँ तो प्लस में इधर आएगा तो यू भी डब्ल्यू, चल ठीक है वन बटे एफ, यहाँ तक एक भी बालक को दिक्कत, यही निकालना था कोमल, यही तो निकालना सब हुआ, तो इसको सूर्या को लिखते हैं वन बटे एफ बराबर वन बटे भी माइनस वन बटे यू, ठीक है दोस्तों, यही तो हमको सिद्ध करना था, इस लाइन को काटे ऊपर ये आ गया, ये देखिए माइनस में ये पट गया प्लस में ये पट गया माइनस में, वन बटे एफ बराबर वन बटे भी माइनस वन बटे यू, सोरिया के लिए प्रूव्ड पी आर ओ वी प्रूव्ड,
परीक्षा में पूछता है ये सब क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए, तो बच्चा लोग कहता वाह सिद्ध करने वाला होगा नहीं बनता। अरे बना के देखिए भैया बन जाएगा। कुछ नहीं, लॉलीपॉप था कि नहीं ननू? लॉलीपॉप, ठीक है बस चलते हैं, बाय बाय।